वितरण किया जाता है। इसी तरह आज भी यहाँ पर जावेद भाई ने यहाँ पर कंबल वितरण रखा है हम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। और आप देखेंगे इन गरीब लोगों को जब ठंड आती है तो ठंड में इनका अपना बदन ढकने के लिए बहुत मुश्किल से जो कपड़ा मिलता है, तो फिर इस पूरे ठंड में किस तरह से ये रहेंगे ये सोचकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और म्हाड़ा के माजी सभापति सभी जनता को प्यार से देखने वाले और एक आंख से देखने वाले ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मधु चव्हाण जी दादा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ट्रस्ट के मार्फत से मैं वीआर न्यूज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चव्हाण जी के हाथों से यहाँ पर कम्बल वितरण हो रहा है। साइड हो पहले वो भी दादाजी के हाथ से यहाँ पर कैलेंडर का ओपनिंग हो रहा है। ये साल सभी के लिए बहुत बहुत शुभ और समृद्धि पूर्वक जाए ऐसी मैं यहाँ से सभी को शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। हम चैरिटेबल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में कम्बल वाटप कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के आमदार और नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का आज का जो कार्य चल रहा है वो किस तरह का कार्य चल रहा है हम जानेंगे उनसे। सर आप यहाँ पर आए और इन गरीब लोगों को जो द्रवित मंदिर का कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के दौरान आपका जो उपस्थिति है सभी को बहुत गर्व महसूस हुआ, तो आप इस कार्यक्रम के दौरान क्या कहना चाहिए? देखो भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को यही सोचकर करना चाहती है कि खुद ही मत सोचो न तो सत्ता